प्रेम से बोलिए श्री श्री आनंदमयी मात की। माँ से प्रश्न है, माँ मन जब एक संकल्प से दूसरे संकल्प पर जाता है तब उनके बीच का जो क्षण है वही महाशून्य अवस्था है क्या? क्या वही ब्रह्म है? ऐसी भावना कर सकते हैं? माँ तुम जो क्षण की बात कह रहे हो वहां भी मन है। किसी भी विषय को लेकर जब मन को एक लक्ष्य करोगे तब देखोगे वही मन का लोप हो जाता है और उनका प्रकाश हो जाता है। वही तो स्वयं प्रकाश रूप में सर्वत्र हैं। उनको पाने का अर्थ है आवरण हटाना। प्रश्न, माँ कोई कहते हैं गीता ही गुरु है, कोई कहते हैं राम नाम, कोई मानते हैं महापुरुष ही गुरु हैं, किसको गुरु मानूं? माँ जिस पर तुम्हारी ज्यादा श्रद्धा है, जिसके सामने तुम्हारा मस्तक श्रद्धा से झुक जाता है, उसको ही गुरु मान लेना। उनकी बातें बिना विचारे पालन करना। यदि उनकी बात पर विचार आता है तो समझ लेना तुमने गुरु बनाया ही नहीं। प्रश्न, माँ ब्रह्म को सत चित आनंद कहा जाता है, इनको गुण नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ब्रह्म में गुण नहीं है, तो एक ही वस्तु के तीन नाम कैसे हो सकते हैं? माँ चित्त का अर्थ है चेतन ज्ञान। सत चित आनंद अलग अलग नहीं है। सत अर्थात सत्य, सत्य में प्रतिष्ठित होते ही उसमें चित विकसित हो जाता है। चित या ज्ञान का प्रकाश होते ही आनंद का प्रकाश होता है। सत का प्रकाश पूर्ण भाव से ना होने पर चित का प्रकाश नहीं होता। चेतन जितना पूर्ण भाव से प्रकाशित होगा आनंद उतना ही पूर्ण भाव से विकसित होता जाएगा। अतएव सत चित आनंद एक ही वस्तु है, इसी को तुम ब्रह्म कहते हो। भगवान की कृपा से पूर्ण सत्य को एक बार में भी पाया जा सकता है। प्रश्न, माँ साधन करके भगवान को पाना एवं भगवत कृपा से भगवान को पाना, इन दोनों में पार्थक्य क्या है? माँ भगवान की कृपा से ही भगवान मिलते हैं। लोग अवश्य यह देखते हैं कि इन्होंने साधन भजन करके भगवान को पाया है, पर कब किस तरह मिलेंगे यह भगवान ही निश्चित करके रखते हैं। यह जो हो रहा है अपने आप ही हो रहा है। हाँ, साधन भजन की सार्थकता या फल यह है वह अहंकार को नष्ट करता है। इसलिए कहा जाता है कुछ किया नहीं जाता, सब होता है। भगवान को पाना यह जो कहा गया है यह मात्र व्यवहारिक तौर पर कहा गया है। यहाँ लाभालाभ कुछ नहीं है। जहाँ मात्र एक ही सत्ता है वहाँ कौन किसको लाभ करेगा अर्थात पाएगा? प्रश्न, माँ भगवान तो हमको दूर से ही आकर्षण कर रहे हैं। माँ यदि दूर कहो तो दूर, भगवान निकट से भी निकट है। वे ही मेरी अंतरात्मा है, दो रहने से ही दूर रहता है, नहीं तो दूर कहाँ? आत्मा जब एक है तब दूर निकट का प्रश्न ही नहीं रहता। प्रश्न, माँ भगवान तो अनंत हैं, उनको पाने के लिए जो साधना की जाती है वह शांत है। जो शांत है उसकी सहायता से अनंत को कैसे पाया जा सकता है? माँ ऐसी बात नहीं है, साधना भी अनंत है। साधना करने की बात यदि कहते हो तो उसका अंत नहीं है, वह अनंत है। सत्ता जब एक है तब किसी भी समय उसका प्रकाश हो सकता है। प्रश्न, सत्ता दो है ऐसा मानने में दोष क्या है? माँ दो भी कह सकते हो, प्रभु दास, पूर्ण अंश की दृष्टि से एक होकर भी तो दो है। बीज और पेड़ यह तुम लोगों की दृष्टि से अलग अलग दिखते हैं, पर वास्तविक रूप से वह अलग नहीं है। बीज में पेड़ और पेड़ में बीज, एक में ही अनंत सृष्टि अनंत गति। सृष्टि करने के लिए दो का प्रयोजन होता है, एक से सृष्टि नहीं हो सकती। प्रश्न, माँ धर्म पथ पर चलने पर इतनी बाधा विघ्न क्यों होता है? माँ यह जन्मांतर के संस्कार से होता है। तुम जब धर्म पथ पर चलना प्रारंभ करते हो तब तुम्हारी कामना वासना सब आकर हमें मत छोड़ो ऐसा करते हुए प्रार्थना करती हैं।
उनकी ओर से ही विघ्न बाधा आते हैं। प्रश्न, माँ धर्मपथ पर चलने पर भगवान आकर बाधा विघ्न को दूर क्यों नहीं कर देते? माँ, यह सब विघ्न मंगल के लिए ही आते हैं, साधना की तीव्रता में वृद्धि के लिए, धैर्य की शिक्षा देने के लिए इन सब विघ्नों की आवश्यकता है। प्रश्न, माँ साधन भजन करते हुए दर्शन आदि कुछ अनुभूति पाने से साधन में उत्साह आता है, ऐसा ना होने पर निराशा का भाव आता है। माँ, यह बात तो सही है, पर यह जो देखने की बात कह रहे हो, यह कौन सी शक्ति के खेल से होता है? अनेक समय इसका पता नहीं चलता। कोई जीवन भर दर्शन करते रहते हैं, पर इसका मतलब यह नहीं है कि वह शक्ति के इन सब खेलों के अर्थ को समझ सकेगा। साधन पथ पर नाना रूप अनुभूति और दर्शन आदि होते हैं। यदि इन सब अनुभूतियों में आनंद लाभ किया जाए तो वह साधना के मार्ग में विघ्न बनकर खड़ी हो जाती हैं। आनंद पाकर यदि साधक अपने को तृप्त समझता है तो समझ लो वह बद्ध हो गया। जानने की बात तो यह है कि आनंद की अनुभूति होने पर इसका प्रकाश करने की और दूसरों को देने का आग्रह भी होता है। प्रश्न, साधना में आनंद पाकर यदि कोई दूसरे को उसका अंश देना चाहे तो वह उसकी साधना में विघ्न कैसे होगा? यदि अहंकार का भाव रहता है तो दूसरी बात है, पर यदि ऐसा ना हो, दूसरे को भी मेरी तरह आनंद का अंश दिया जाए तो यह तो महान अंतःकरण का परिचायक है। माँ, साधक में आनंद का अनुभव होने के उपरांत इस आनंद का अंश दूसरों को देने की भावना में आचार्य बनने का भाव रहता है। इसके अलावा एक और बात है, जब कोई बर्तन भरता है उस स्थिति में यदि निरंतर खर्च किया जाए तो पात्र कब भरेगा? पात्र पूर्ण होने के बाद जब अपने आप उफन कर बाहर फैलता है तो यह बात और है। जगत गुरु का भाव तो यही है। प्रश्न, माँ बहुत समय तक साधन भजन करके भी कोई अनुभूति नहीं होती, इतना जप करके भी कोई फल नहीं मिलता, इससे लगता है कि हमारा आगे कुछ नहीं होगा। माँ, देखो जैसे कोई बेटा नौकरी करके पैसा कमाकर लाता है और अपने माता पिता को दे देता है, माता पिता भी पैसे को उस लड़के के नाम जमा रखते हैं, उसी तरह शिष्य द्वारा कर्म किए जाने पर गुरु कभी कभी तो उक्त कर्मों की अनुभूति शिष्य को दे सकते हैं और कभी नहीं देते, पर कर्मफल गुरु के पास जमा हो रहा है, यह निश्चित है। कर्मफल जाएगा कहाँ, वह रह ही जाता है। नाम जप आदि करके यह हर वक्त याद रखना चाहिए कि यह उनकी कृपा है कि मैं इतना समय उनके काम में दे सका। प्रश्न, माँ शायद प्रारब्ध भोगना ही पड़ता है? माँ, प्रारब्ध भोग करना पड़ता है, यह बात जैसे सच है, और पूरा भी कट जाता है, यह बात भी उतनी ही सच है। प्रारब्ध का कितना भोग हुआ कितना नहीं हुआ यह तुम लोग देख नहीं सकते। प्रश्न, माँ इस दुनिया में रहते हुए ब्रह्म को कैसे जाना जा सकता है? माँ हंसकर, दुनिया है तब ब्रह्म कहाँ? जब तक दृष्टि सृष्टि है तब तक ब्रह्म की धारणा नहीं की जा सकती। जब ब्रह्म का साक्षात्कार होता है तब दुनिया नहीं रहती, तब केवल एक ब्रह्म ही रहता है। प्रश्न, माँ दुनिया में रहते हुए ब्रह्म को नहीं जाना जा सकता? ब्रह्म को पाने का रास्ता भी तो है ना? माँ, हाँ वह तो है ही, वह मार्ग है गुरु आज्ञा पालन। मन बुद्धि द्वारा ब्रह्म को जानने की कोशिश करने से आंशिक ज्ञान लाभ होता है, कारण मन का स्वभाव है खंड रूप से देखना, तभी इस तरह की बात आती है, ऐसा होगा ऐसा नहीं होगा। परंतु जब ज्ञान का पूर्ण प्रकाश होता है तब समझ में आता है जो जैसा कह रहा है सब ही सत्य है, इसमें कोई द्वंद नहीं है। प्रेम से बोलिए श्री श्री आनंदमयी मात की।